लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई सारे प्राध्यापकों का माथा फूटा है, पैर टूटा है, अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एक्सरे करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे अब, कब्र का बांध खत्म, अब वार्ता नहीं, डायरेक्ट मांग होनी चाहिए। रांची के उपायुक्त महोदय, सीनियर एसपी महोदय हमारे बीच आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मांग, आपकी भावना से सीएम साहब को, शिक्षा मंत्री को अवगत करा चुका हूं। वार्ता करवाने का आश्वासन जिला प्रशासन के द्वारा संघर्ष मोर्चा के स्टेट कमेटी और तमाम सहायक अध्यापकों को दिया गया है। प्रशासन का जो आश्वासन है हम लोग उसका स्वागत किए, चलिए अच्छी बात है। साथ ही प्रशासन को यह भी कहा दिया गया मोर्चा की तरफ से, 24 घंटे के अंदर अगर सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी से सम्मानजनक समझौता हमारा नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद यहाँ के पारा शिक्षक सीएम हाउस के तरफ कुछ करेंगे। आप लोग मानने नहीं, एकदम नहीं, कुछ नहीं जी जी, एकदम नहीं। 4.5 साल की सरकार में हम लोग एक आंदोलन नहीं किए। तो कैसे कि वार्ता के लिए आए, रास्ता खुला हुआ है जी? नहीं, आधिकारिक वार्ता, चिट्ठी दीजिए, पत्र दीजिए, वार्ता होगी। वार्ता तो शिक्षा मंत्री से 5 साल से हो रहा है। आपकी मांग जायज है, आपकी मांग उचित है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, ये वार्ता हो रहा है 5 साल से, लेकिन टेबल टॉक होना चाहिए, निष्कर्ष आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए जी। विकास कुमार चौधरी, स्टेट कमेटी सदस्य, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। जी जी, प्रशासन के द्वारा सहायक अध्यापकों पर लाठी चार्ज हुआ है, स्टेट कमेटी के सदस्य सिंटू जी, सुमन जी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई सारे प्राध्यापकों का माथा फूटा है, पैर टूटा है, अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एक्सरे करवाया जा रहा है। हम लोग देखेंगे, बैठेंगे 22 तारीख तक अनिश्चितकालीन हम लोग रांची की धरती पे बैठेंगे, अगर सम्मानजनक वार्ता नहीं होती है तो निर्णय रांची की धरती पे करके जाएंगे। हम लोग जमे हैं और जो मेरा अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम है वो चालू रहेगा। हमारी समस्या बहुत ही पुरानी है, हमारी समस्या से सब लोग परिचित हैं, जो भी आज सत्ता में है और जो सत्ता से दूर है। शिक्षा मंत्री को नाम बदल दिए थे ना हम लोग, सहायक अध्यापक कर दिए। सिर्फ नाम बदलने से हमारा काम थोड़ी हो जाता है, जो आर्थिक परेशानियां है वो मेरी जिंदगी में उतना ही है, मेरे पास जो दर्द है वो उतना ही बने हुए हैं। क्या दर्द है? दर्द यही है कि मैं, हम लोग बहुत ही कम मानदेय पाते हैं, एक ही छत के नीचे दो प्रकार के शिक्षक हैं, हम अधिक कार्य करने के बाद भी बहुत ही अल्प पाते हैं, और यह हमारे अंदर में सबसे बड़ा असंतोष का कारण है, जिसके वजह से लाठी चार्ज करती है, आप लोग आते हैं मांग करने। यह सरकार अपना आचरण का परिचय दे रही है, लोकतांत्रिक राज्य में जिस प्रकार सरकार को आचरण पेश करना चाहिए उसके विरुद्ध जाना, यह बता रहा है कि सरकार वास्तविक समस्याओं का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, इस प्रकार इसलिए वह दमनात्मक कार्रवाई अपना रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है, लगातार सरकार जो है सो कभी पारा टीचरों पर लाठी चार्ज, उधर पुलिस वाले हैं जो पारा पुलिस है उन पर लाठी चार्ज, इस प्रकार यहाँ का प्रशासन खूंखार होता जा रही है, यह बहुत ही खराब बात है। यदि इस आंदोलन में हमारा समस्या का अंत नहीं होगा तो हेमंत जी के जीवन में कभी बसंत भी नहीं होगा। आज हम लोग रांची की लाठी चार्ज हुई है तो सरकार की गलत नीति है, सरकार हमें जोर जुल्म से हम लोगों को डराना चाहती है, जो कि इस बार बिल्कुल भी संभव नहीं है। 6 साल के बाद इतना बड़ा आंदोलन का उलगुलान हुआ है, 6 साल पहले भी हम लोग वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन किए थे और इस बार भी 6 साल के बाद हम लोग इस धरती पर आए हैं और इस बार हम लोग आश्वासन या लाठी चार्ज या गोली बम बारूद से डर के नहीं जाने वाले हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का काम है सम्मान करना, सरकार हम लोग को सम्मान करने के काबिल रहने दे, हम लोग भी शांति शांति अपना धरना पूरा करेंगे। मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, हम लोग वार्ता सफल होगी, हम लोग वेतनमान का चिट्ठी लेंगे तब जाएंगे यहाँ से। अगर कोई पुलिस प्रशासन हम लोगों को डराने का काम करती है तो हम लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। सर, हम सबका एक ही कहना है,
जितने भी झारखंड के सहायक अध्यापक है सबकी एक आवाज, एक बोली, एक नारा है, हमें वेतन मान चाहिए। सरकार को इस चीज के मानना होगा कि समान कार्य का समान वेतन मिलता है हर किसी को, हमें भी मिलना चाहिए, हमें एक शिक्षक का सम्मान मिलना चाहिए। आज सरकार की जो वादा खिलाफी है उसको देखते हुए हमको यहाँ आना पड़ा। महिलाएं भी घायल हुई है और आज नहीं तो सरकार जो सरकार बनते जा रही परंपरा चलाते जा रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब ये आखिरी लड़ाई है सरकार से हमारी। अगर वेतनमान नहीं होगा तो झारखंड में शिक्षा नहीं होगा। अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। अब हमने बहुत इंतजार किया, इतना इंतजार किया कि कुछ हमारे साथी शहीद हो गए, चले गए शिक्षा के दौरान, इस कार्य को करते हुए दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। तो अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। और सरकार भी अगर इस चीज को नहीं देखना चाहती, अब भी अगर नहीं देखना चाहती, तो आज के पास सरकार नहीं आएगी झारखंड में। आगे क्या होगा रणनीति आप लोग? आगे हम लोग का यही होगा कि सरकार बनने ही नहीं देंगे। आप झारखंड में देख चुके हैं, पहले भी रघुवर सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, उनको हमने हमारे छत्तीसगढ़ के होते हुए भी उनको हमने उखाड़ के फेंक दिया। आपको हमने इसलिए लाया था क्योंकि आप हमारे धरती के पुत्र थे, हमारे दुख दर्द के साथी थे, हमने इसलिए आपको अपना माना, अपने मान करके आपको सरकार में लाए। और आप हमारे साथ ही अपने घर से ही छल करना शुरू कर दिए हैं, तो आप गैरों की चोट से चोट नहीं लगती, अपनों की चोट से चोट लगती है। और आप हमारे अपने होकर के हमें चोट पहुंचाई है, तो आप चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग अपने किसी भी कारण से हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें वेतनमान नहीं मिल जाता। हम लोग इस धरती को नहीं छोड़ेंगे।